ऊपर का देखिए ऊपर का व्यू दिखा रहा है कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर, ऊपर फोटो फोटो ले रही है, यहाँ पर फोटो ले रही है। अभी आप लोग देख सकते हैं कितना दिख रहा है, चलने के लिए आपको जगह नहीं है, फोटो वहाँ से क्लिक कराइएगा। चुम्मा चुम्मा फिश यहाँ पर देखिए, चुम्मा चुम्मा फिश यहाँ पर जबरदस्त फिश है, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ओ माय गॉड क्या नजारा है, बहुत ज्यादा खूबसूरत। भीड़ देख लीजिए, लोग यहाँ बढ़ते आ रहे हैं, फिश आपको बहुत अच्छा सा दिखने वाला है, देख लीजिए पूरा अंडर वाटर आपके सर के ऊपर मछली तैरने वाला है, बढ़िया लग रहा है हम लोग घूमने में भैया, आप बताइए। अरे बहुत काफी एक्साइटेड है, वी आर वेरी हैप्पी टू अनाउंस द बैक। अच्छा लगा है, अच्छा ही लग रहा है, अच्छा लगा, अच्छा लग रहा है, फोटो भी निकाल ले, हां जा रहा है पूरा, आपको मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। हेलो एवरीवन, आई एम जय, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भीड़ आप लोग देख सकते हैं, अभी 13 जुलाई तक रहने वाला है, 20 रुपए टिकट लगने, बाबा सवाल करते हैं कितना रुपए लगने वाला, तो 20 रुपए टिकट लगने वाला है और 13 जुलाई तक रहने वाला है, मतलब गर्मी छुट्टी बच्चों को यहाँ तो एंजॉय करिए आकर डिनर में, बट 4 या 5 बजे आइए नहीं तो बहुत ज्यादा भीड़ दिखने वाला है। तो आपको गाइस अंडर वाटर फिश टैंक में ले जाने वाले, इसके पहले भी ले गए तो बहुत कमेंट है कि अच्छा से आपने दिखाया, आज पूरा अच्छा से आपको दिखाने वाले हैं, तो पूरा लास्ट तक ब्लॉग में बने रहिए। टिकट के लिए देख सकते हैं लंबा लाइन लगाओ, 100 रुपए का आपको टिकट मिलने वाला है, कोई टाइम टेबल नहीं है, मतलब अंदर जाइए जब तक अगर फोटो सेल्फी नहीं ले ले तब तक लाइन में लगे रहिए। तो ये देख लिए मेरे साथ मेरे फ्रेंड आए हुए, तो 3 टिकट लिए हैं, अंदर चलते हैं, 100 रुपए पर टिकट आपको पड़ने वाला है पर पर्सन, देख सकते हैं अंदर जा रहे हैं, अंदर जाते जाते 5-10 मिनट तो ऐसे ही लग गया, इतना ज्यादा भीड़ है, सोच समझ के आइएगा, संडे सैटरडे को तो बिल्कुल भी मत आइएगा, बाकी वीकेंडेज में आप लोग आ सकते हैं, बहुत ज्यादा को भीड़ दिखने वाला है, देखिए लाइन लगा हुआ है यहाँ पर अंदर आने के लिए, आप लोग देख सकते हैं ब्लू ब्लू बिल्कुल आपको अंदर दिखने वाला, वाह ओ माय गॉड पूरा भैया जमावड़ा हो गया यहाँ पर, क्या घूमिएगा पता नहीं, फोटो ले पाएगा नहीं, बोले बहुत ज्यादा भीड़ दिखने वाला है, पटना जू जाइएगा वहाँ भी आपको ऐसा भीड़ नहीं दिखने वाला है, बहुत जबरदस्त भीड़ है, मेन एक्वेरियम इसके अंदर है जो अंडरग्राउंड वाला है टनल वाला, वो वाला आपको दिखाएंगे, यहाँ पर आपको बहुत तरह का फिश दिखने वाला है, देख लीजिए यहाँ पर आपको लगातार बहुत तरह का फिश दिखने वाला है, देख लीजिए रंग बिरंगा लावा वाला फिश, लावा वाला फिश देख लीजिए, भीड़ बहुत ज्यादा आपको दिखने वाला है, लास्ट टाइम ये दिखा चुके हैं, मेन आपको टनल वाला अच्छा से थोड़ा दिखा देंगे, ये देख लीजिए व्हाइट और रेड कॉम्बिनेशन में फिश है, ये देख लीजिए इतना खूबसूरत फिश है, देख लीजिए देख रहे हैं, और आगे लेके चलते हैं, ये देख लीजिए ग्रीन वाला लाइट यहाँ पर ग्रीन दिया हुआ, कलर चेंज हो रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है, ये सब छोटा फिश है हमेशा झुंड में रहता है, नाम बट यहाँ पर किसी फिश का नहीं लिखा हुआ, कौन सा फिश है ये देख लीजिए, ये देखिए जोड़ी वाला एकदम रंग बिरंगा फिश आपको दिख रहा होगा, सब साथ में रहता है ये सब फिश, देख रहे हैं ये सब साथ में रहता है, अंदर लेके चलते हैं, जेबरा वाला फिश यहाँ पर देखिएगा, जेबरा जैसा है ना कलर व्हाइट और ब्लैक में कॉम्बिनेशन में, ये देख लीजिए जेबरा से देखते हैं वही वाला फिश आपको यहाँ पर दिखने वाला, और आगे लेके चलते और आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा, ये देखिएगा पूरा व्हाइट में है, लेकिन नाम बट यहाँ पर किसी का नहीं दिया हुआ, कौन सा फिश है किसी का नाम नहीं दिया हुआ, भीड़ आपको बहुत ज्यादा दिखने वाला है, देख रहे हैं अंडरग्राउंड तो ऐसे ही आ गया, ब्लू लाइट का इस्तेमाल किया गया है, काफी खूबसूरत लग रहा है पानी के लिए ब्लू, ये देख लीजिए ये ईल लग रहा है, ईल ये बिजली का झटका देता है, यहाँ पर स्टाफ सब लोग देख रहे हैं, इसको छुएगा तो बिजली का झटका देगा, 1 सेकंड के अंदर मर जाइएगा, चलिए आगे और आपको दुखा दिखा देते हैं, ये देख लीजिए ओ माय गॉड ये कैसा फिश है भाई, ये भी लग रहा है कि ओ ये हुब्बा हुब्बा फिश, इसका नाम हुब्बा हुब्बा है, देख लीजिए हुब्बा हुब्बा फिश है ये, हुब्बा हुब्बा देखिए इसका फेस देख लीजिए, हुब्बा हुब्बा फिश इसका नाम है, वाटर टाइम एंट्री करने वाले, ये देख लीजिए वाह पूरा आपके सर के ऊपर देखिए मछली दिखने वाला है, अमेजिंग, पहली बार बिहार में अंडर वाटर टनल दिखने वाला, देख लीजिए क्या कितना खूबसूरत लग रहा है फिश, देखिए बच्चे पूरा एंजॉय कर रहा है, देख लीजिए आपके ऊपर फिश तैरने वाला, देख रहे हैं बहुत जबरदस्त है, तो पटना के ग्रामीण में तो अंडर वाटर टनल में जरूर आइए, 100 रुपए इसका लगने वाला है, 20 रुपए का डिनर का टिकट कटाना पड़ता है, चलते रहो, देख लीजिए मेरा दोनों दोस्त का हालत खराब हो गया पसीना से, देखिए लथपथ हो गया दोनों, पसीना इतना ज्यादा भीड़ दिख रहा है, आप लोग 4 बजे दोपहर में वही अच्छा होने वाला, आपके ऊपर देखिए मछली तैरने वाला है, सोचा था फोटो खिंचाया जाएगा, प्लान कर गया था कि हम लोग फोटो क्लिक करवा जाएंगे निकल जाएंगे, बट उल्टा हो गया, बहुत ज्यादा यहाँ पर ट्रैफिक जैसा होता है ट्रैफिक वैसा जाम आपको मिलने वाला है, ओ माय गॉड देख लीजिए क्या खूबसूरत नजारा है, ये देखिए कैसा कैसा फिश आपको दिखने वाला है, जितना छोटा बड़ा सब फिश को जो इसमें एक ही में छोड़ दिया गया, बाकी को व्यू दिखाते देखिए, रोक रुक रोक लोग यहाँ पर रुक रुक कर फोटो सेल्फी ले रहे हैं वीडियो बना रहे हैं, ये नजारा फिर आपको दोबारा नहीं मिलने वाला, इसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, लंदन पर ही जाना पड़ेगा, वो ले नहीं पाएगा मेरे को लगता है क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है, फिश आपको बहुत अच्छा सा दिखने वाला, देख लीजिए पूरा अंडर वाटर आपके सर के ऊपर मछली तैरने वाला है, पहली बार बिहार में, आ जाइए फोटो सेल्फी लेकर जाइए, चुम्मा चुम्मा फिश यहाँ पर देखिए, चुम्मा दे रहा है, चुम्मा चुम्मा फिश यहाँ पर है, और आपको दिखाते हैं, ये देखिए रेड वाला वो लावा वाला फिश देख लीजिए, वो देखो ना उसको वो लावा फिश देखिए, रेड ओ माय गॉड ये देखिए, ओ ओ ये देखिए लावा वाला फिश,
ओह माय गॉड क्या फिश है, देख रहे जबरदस्त फिश है। देखिए आप सिर के ऊपर तैर रहा है, आप सिर के ऊपर देखिए फिश मछली तैर रहा है, बहुत दिखा रहा है, जबरदस्त फिश है ये देख लीजिए। ओबा ओबा ओ ओबा ओबा ओ, कुछ नहीं बोलना, छोड़िए आगे चलते हैं। ये देख लीजिए, ओ माय गॉड क्या नजारा है, बहुत ज्यादा खूबसूरत। भीड़ देख लीजिए, लोग यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, भीड़ भीड़ भी बढ़ते जा रहा है। क्या भैया मजा आ रहा है, लोगों को जबरदस्त भी है, देखो अच्छा से दिखा रहे हो। माय गॉड क्या नजारा है, पूरा लाइट चमका रहा है, देख लीजिए एक से बढ़कर एक फीस आपको दिखने वाला है। पटना के गांधी में डिज्नीलैंड में जबरदस्त भीड़ आपको दिखने वाला है। वाह वाह भैया गाना भी गा दिया, आइए ना हमारा बिहार में, चलिए अच्छा बात है भैया। पूरा भाई लोग लेकिन एंजॉय कर रहे हैं, कैसा लगा सर बताइए भैया। भैया लगा तो कुछ हमको बहुत अच्छा हुआ, लेकिन यही जो है यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वसूल हो रहा है, अच्छा लगा है, अच्छा ही लग रहा है। और बिहार का आदमी जो कुछ मिलेगा वो अच्छा ही लगेगा, कुछ भी हो अच्छा ही लगेगा। बिहार का आदमी को जैसा भी लड़का हो या जो भी आदमी हो, घूमने के लिए भी अच्छा ही मिलेगा। ऊपर आप लोग देख सकते हैं, रुक रुक कर लोग यहाँ पर फोटो ले रहे हैं, बट रुकना नहीं है, ज्यादा देर तक रुकना नहीं है, बढ़ते रहना है। देखिए भीड़ देख लीजिए, कितना भीड़ है देख लीजिए। आज यहाँ पर पब्लिक जो रुक रुक कर पूरा फोटो ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ इस कारण से आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। आपको अगर फोटो क्लिक करवाना है तो 4 बजे या 3 बजे के पास ही आ जाइए, वो अच्छा होगा। और फ्राइडे मंडे से फ्राइडे तक में सैटरडे संडे का बहुत ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा रश आपको दिखने वाला है। पूरा बच्चा मस्ती कर रहा है, कैसा लगा बाबू, कैसा लगा तुमको बताओ। अच्छा लगा, अच्छा लगा है, फोटो खींचे बहुत मजा आया सर। फोटो मछली का ले, देखिए वीडियो बना रहे हैं। कहाँ से आए बाबू, कहाँ से आए? हम जहानाबाद से। जहानाबाद से मजा रहा है पूरा, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा रहा है। पैसा वसूल है? हाँ, एसी से ज्यादा वसूल हो रहा है, एसी में वसूल हो रहा है, एसी में पूरा वसूल हो रहा है, पूरा मजा आ रहा है भरपूर। ठीक है भाई लोग पूरा एंजॉय कर रहे सबको, ये फिर देख लीजिए भैया, बहुत मजा आ रहा है, पहली बार यहाँ बिहार में हो रहा है, बहुत हम लोग को मजा आ रहा है, लेकिन प्राइस थोड़ा ज्यादा है, इस वजह से थोड़ा सबको गर्मी लग रहा है, सब एसी के पास जमावड़ा लगा रहे हैं ना, मछली कम देख रहे हैं, हवा ज्यादा खा रहे हैं। लीजिए कितना बड़ा फिश है, आपका सर के ऊपर से तैर रहा है, ये देख लीजिए, रुकना नहीं है, फोटो क्लिक कराते हैं, आगे बढ़ते हैं, पुलिस वाले रहेंगे जांच के लिए, बाकी आप लोग का रिव्यू लेते रहेंगे। ये देख लीजिए रुक रुक कर लोग यहाँ पर फोटो क्लिक करवा रहे हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा भीड़ दिख रहा है, चलने के लिए आपको जगह नहीं है, फोटो कहाँ से क्लिक कराइएगा। हाँ पंखा लेकर देखिए भैया बोले, पंखा लेकर आइए, बहुत ज्यादा गर्मी लगने वाला है, कपड़ा में देखिए भीग गया है, घर जाके फिर से नहाना पड़ेगा, 100 रुपया लगने वाला है। लेकिन अगर आप लोग इसके अंदर आना तो 4 बजे या 5 बजे तस्ता में मत आइएगा, बहुत ज्यादा रश है, फोटो अच्छा से क्लिक नहीं करा पाएगा, सिर्फ वीडियो बना पाएगा। ऊपर का देखिए रुकर को व्यू दिखा रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है, यहाँ पर रुकर फोटो ले रही है पब्लिक, जो भी आ रही है यहाँ पर रुकर फोटो ले रही है। ऐसे आप लोग बढ़ते रहिएगा तो बहुत अच्छा फोटो आने वाला है। पहली बार पटना में पैसा दिखने वाला अंडरग्राउंड अंडर वाटर टनल, ये बिहार में सिर्फ दिख रहा है, बिहार के पटना के गांधी में मिलेगा डिलीएंड में। ये देख लीजिए चलने का जगह नहीं है अंदर, पूरा एकदम रास्ता जाम हो गया, ट्रैफिक जाम होता है वैसे ही रास्ता जाम हो गया, पूरा लोग यहाँ पर फोटो सेल्फी लेने के लिए भीड़ लगा दिया है। बढ़ते रहिए रुकना नहीं है, देख लीजिए बहुत ज्यादा भीड़ हो गया, चलिए हाँ चलिए बहुत ज्यादा भीड़ हो गया, फाइनली हम यहाँ से लोग निकलने वाले हैं, ज्यादा ही भीड़ हो गया। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे आपको भीड़ दिख रहा होगा, पटना के गांधी मैदान में आना आपको गेट नंबर 7 के पास आपको पहले 20 रुपए का टिकट लेना होगा डिजनीलैंड का, उसके बाद आपको यहाँ का 100 रुपए का टिकट कटाना होगा। बढ़िया लग रहा है हम लोग घूमने भैया, बताइए। अरे बहुत काफी एक्साइटेड है, वी आर वेरी हैप्पी टू अनाउंस द एक्वेरियम व्हिच हैज सो बहुत अच्छा बनाया है पटना का, ये नंबर 1 है आई थिंक, आप ही देख ही रहे हैं, आप कैमरा में दिखा सकते हैं लोगों को कितना अच्छा से है। हाँ हमारे साथ निशान सर भी है, निशान बहुत मजा आया हम लोग को इस जगह पे आकर के एक्वेरियम में, पटना का सबसे खूबसूरत जगह अभी बन चुका है ये, एकदम वसूल हो गया है, हम लोग काफी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक ही चीज है गर्मी काफी ज्यादा लग रहा है, और भी एसी बढ़ाना चाहिए था, है ना, ऐसा नजारा कुछ नहीं मिलेगा। ओह माय गॉड कितना बड़ा फिश यहाँ पर देख सकते हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इतना शानदार व्यवस्था की हुई है एसी के साथ में, बहुत ही मस्त लग रहा है। निकलेगा जब पानी निकलने वाले, बहुत ज्यादा अच्छा से फोटो नहीं खींचा पाए, बहुत ज्यादा भीड़ हो गया है, अब यहाँ से हम लोग एग्जिट करने वाले हैं। घूमने वाले बहुत मजा है, पर शाम को बहुत ज्यादा ही भीड़ है, इतना ज्यादा भीड़ है भाई, पसीना पसीना रुमाल भीग गया मेरा तो पोस्ते पोस्ते, पर अच्छा लगा घूमने में, अच्छा पहली बार देखे वैसे एक मेरे टाइप का पटना में, घूमने में तो अच्छा लगा, पर इतना गर्मी है अंदर की और इतना भीड़ है की बहुत दिक्कत है। फोटो
फोटो उतना अच्छे से क्लिक नहीं हो पाया, वैसे नहीं हो पाया। आना है तो मतलब होलीडे में मत आइए। देख सकते हैं बाहर निकल गया पूरा पसीना से लगता है, बहुत ज्यादा अंदर एसी चल रहा है फिर भी आपको गर्मी लगने वाला है क्योंकि एक साथ पब्लिक बहुत ज्यादा भीड़ आपको दिख रहा है उस कारण से। तो पानिया से निकलने वाले 100 रुपए टिकट लगेगा, गांधीनगर में आपको पहले आना पड़ेगा, 20 रुपए टिकट लगेगा गांधीनगर गेट नंबर 7A के पास आपको आना है, पटना रीजेंसी के पास लगाओ डीलैंड, 20 रुपए का टिकट कटाना होगा उसके इसका अंदर आके 100 रुपए का टिकट करना होगा फिर टनल में आपको जाना है। तो चलिए पानी अभी यहाँ से निकलने वाले, तो अगर ये व्लॉग आपको अच्छा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ओके बाय, टेक केयर।